कालीवान रोड। यहाँ पर कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ओके। तो ये कविता है बट किसकी? कवित्री यहाँ पे, ओके। कविता में कवि नहीं है। पानी और धूप। अभी अभी की धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ा घड़े बादल के, की है इतनी सैतानी। अभी अभी की धूप बरसने, यानी कि यहाँ पर कवित्री यह बोल रहे हैं कि अभी अभी तो चारों तरफ धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक से बारिश कहाँ से होने लगी, अचानक से पानी कहाँ से बरसने लगी, ठीक है। क्या किसी ने घड़े को फोड़कर की है सैतानी? क्या किसी ने घड़े को फोड़कर की है क्या ऐसी सैतानी? यानी कि बोल रहे हैं किसी ने फोड़ घड़े को बादल की है इतनी सैतानी, यानी कि किसी ने सैतानी की है घड़े को फोड़कर, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अब यहाँ पर कवित्री कल्पना करती है, ऐसा मतलब सोचती है, देखो जब बारिश होती है ना तब हमें सूरज दिखाई नहीं देता है, जब बारिश होती है तो हमें सूरज दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर कवित्री बोल रहे हैं कि लगता है कि उसे भी उसकी माँ ने वापस उसे बुला लिया, उसकी माँ ने उसे वापस बुला लिया, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। यहाँ पर बोल रहे हैं लगता है कि उसकी माँ ने भी उसे वापस बुला लिया, ओके। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल में किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से गरज रहे हैं यानी कि जो बादल जो होते हैं, जब बरसात होती है, जब बादल होते हैं तो वो बहुत जोर जोर से गरजते हैं, ठीक है, वो बहुत जोर जोर से गरजते हैं। तो यहाँ पर कवित्री जी यह कल्पना करते हैं कि लगता है कि किसी बालक ने अपनी माँ की कहना नहीं माना, अपनी माँ की बातें नहीं सुनी, जिसके कारण उसको जो है बादल काका डांट रहे हैं जोर जोर से, जिसके कारण उस पे जो बादल काका है उसे डांट रहे हैं जोर जोर से, ओके। अब यहाँ पर क्या आता है? बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, ओके। अब यहाँ पर बोला जा रहा है बिजली के आंगन में अम्मा, बिजली के आंगन में यानी कि जो बिजली जो कड़कती है, यानी बिजली का कड़कना, और जब बिजली कड़कती है तो पानी तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। बिजली मतलब आंगन में बिजली कड़क रही है फिर भी बरसात नहीं हो रही है, फिर भी बरसात नहीं हो रही। वार का मतलब होता है प्रहार, वार का मतलब क्या होता है प्रहार, यानी कि बिजली कड़कने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर बालक बोलता है कि बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, यानी कि आंगन में माँ तुम देखो कि कितनी बिजली कड़क रही है, कितनी जोर की जो है वो बिजली कड़क रही है, बिजली कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं, यानी कि इतना बिजली चमकने के बावजूद, इतना बिजली चमकने के बावजूद भी बरसात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बालक अपने माँ से बोलता है कि आंगन में माँ इतनी बिजली कड़क रही है लेकिन तो भी बरसात नहीं हो रही है, इसकी जो प्रहार है वो खाली जा रहा है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ भी सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान बनाए। अब यहाँ पर बालक जो है वो माँ से कहते हैं कि क्या माँ इन्होंने अभी तक तलवार चलाना सीखा नहीं है, क्या इन्होंने अभी तक तलवार चलाना सीखा नहीं है, क्या वो पहली बार आसमान में और तलवार सीखने आए हैं। कौन बोलता है?
तलवार चलाना नहीं सीखा है? क्या वो पहली बार इस मार्ग में तलवार चलाने सीखने आए हैं? एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब यहाँ पर बालक अपने माँ से बोलते हैं कि माँ मुझे तुम बस एक बार ना बिजली के घर जाने दो, बिजली के घर बस तुम मुझे एक बार जाने दो, मैं उन्हें तलवार सिखा दूंगा, जिससे मैं बिजली के घर जाकर उनको जो है तलवार चलाना सिखा दूंगा। ओके, तलवार चलाना सिखा दूंगा, उसके बाद में वापस सो जाऊंगा। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकाती सी तलवार, चमकती सी तलवार, तब माफ करना कोई पाएगा उसके ऊपर अत्याचार। यानी कि अब यहाँ पे बालक बोलते हैं कि माँ जब मैं उन्हें तलवार चलाना सिखा दूंगा ना, तब वो मुझे चमकीली सी तलवार देगी, चमकीली सी तलवार देगी, यानी चमकीली तलवार, यानी जब बिजली कड़कती है तो आप जानते हो ना कितना चमकता है, जब बिजली कड़कती है तो कितना चमकता है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे चमकीली सी तलवार देगी। ओके, तब माँ करना कोई पाएगा उसके ऊपर अत्याचार, तब माँ उसके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर पाएगा, तब माँ उस बिजली के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही सब डर जाएंगे। पुलिसमैन जो फिर है ना माँ, वो ना कभी भी बिजली को, कभी भी तलवार को पकड़ने नहीं आएंगे, यानी कि कभी भी बिजली को पकड़ने नहीं आएंगे, और वो जैसे ही उनका तलवार देखेंगे ना, तो वो उधर से ही वापस लौट जाएंगे, उधर से वो वापस चले जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। यहाँ पर बालक अपने माँ से बोलते हैं कि अगर माँ तुम चाहती हो ना कि काका जेल ना जाए, यानी कि बंदीगृह में ना जाए, तो तुम एक काम करो कि मुझे ना तुम जल्दी से उस बिजली के घर पहुंचा दो, तुम मुझे जल्दी से उस बिजली के घर क्या करो, पहुंचा दो। अब क्या होता है, तुझे मंगा दूंगी तलवार पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार, काका जेल ना जाएंगे अब। यहाँ पर फिर आता है, काका जेल ना जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अब यहाँ पर पवित्री बोलती है, माँ बोलती है अपने बालक से कि काका जो है ना वो जेल नहीं जाएंगे, काका जो है वो जेल नहीं जाएंगे, और तुम जो है बिजली के घर भी नहीं जाओगे, तुम बिजली के घर भी नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो चमकती हुई तलवार मंगा दूंगी, मैं तुम्हारे लिए चमकती हुई तलवार मंगा दूंगी, लेकिन आज के बाद तुम बिजली के घर जाने की बात मत करना मेरे सामने। माँ बोलती है बालक से कि काका जेल नहीं जाएंगे, काका जेल नहीं जाएंगे, और मैं तुम्हारे लिए चमकती हुई तलवार मंगा दूंगी, और लेकिन तुम्हें बिजली के घर नहीं जाना है, तुम्हें बिजली के घर नहीं जाना है, और आज के बाद तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे और इसके बारे में कोई विचार नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, पानी और धूप। ठीक है, ये कविता हमारी क्या होती है, यहाँ पर समाप्त होती है।